खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कल यानी बुधवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के साथ परामर्श करने के बाद जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में किया है। इसके साथ ही उन्हें अपने कार्यालय का प्रभार संभालने का निर्देश भी दिया है। यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को ही अपनी बैठक में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि जस्टिस मुरलीधर 29 मई 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने थे और यहां कई अहम फैसलों को सुनाने वाली बेंच का वो हिस्सा रहे। वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने आईपीसी की धारा 377 को गैर आपराधिक घोषित किया था। वो दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठता में तीसरे नंबर पर थे, जबकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वो वरिष्ठता में चीफ जस्टिस रविशंकर झा के बाद दूसरे नंबर पर होंगे।